नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना YouTube चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2021 में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग किस दिन पड़ रहे हैं, किस वार में यह योग पड़ रहे हैं, उसका समय क्या रहेगा और उनमें आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, उन सभी के ऊपर विस्तार से आज हम बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और कब यह मुहूर्त में हमें मुहूर्त का प्रयोग कब करना चाहिए उसके विषय में भी आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर पहली बार चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाती है। सबसे पहले बात करें सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, अमृत सिद्धि योग क्या है। तो जिस योग में आपको सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, जो कार्य करे वह आपका सिद्ध हो जाए, उसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। और अमृत सिद्धि योग की बात करें तो सर्वार्थ सिद्धि योग से भी शुभ योग है अमृत सिद्धि योग, परंतु इसके कुछ नियम है कि कोई है वो प्रयाण में मतलब यात्रा में वर्ज्य है, किसी में आप विवाह नहीं कर सकते, किसी में आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, वो आगे आपको बताते जाएंगे कि किस दिन आपको क्या नहीं करना है। तो अमृत सिद्धि योग है वह सर्वार्थ सिद्धि से भी शुभ योग माना गया है। द्विपुष्कर योग की बात करें तो उसमें कोई भी कार्य करे उसका दुगुना फल आपको प्राप्त होता है। शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा दुगुना फल मिलेगा और खराब काम करेंगे तो दुगुना बुरा फल आपको प्राप्त होगा। त्रिपुष्कर की बात करें तो वैसे ही जैसे इसमें दुगुना फल मिल रहा था द्विपुष्कर में, ऐसे ही इसमें तीन गुना फल मिलेगा, तीन गुना अच्छा फल या फिर तीन गुना बुरा फल आपको देखने मिलेगा। तो चलिए 2021 में दिसंबर के महीने में यह दिन कब कब है, क्या उसका समय रहेगा, विस्तार से चर्चा करते हैं। दिसंबर 2022 के सर्वार्थ सिद्धि योगों की बात करें तो 3 दिसंबर 2021 शुक्रवार मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी तिथि, 13:45 से 30:58 मतलब अगले दिन के सुबह सूर्योदय से पहले तक, मतलब अगले दिन का सूर्योदय 6:58 पर होने वाला है, तो अगली पूरी रात तब तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 5 दिसंबर 2021 रविवार मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा तिथि, सुबह 7:48 से 30:59, 12 दिसंबर 2021 रविवार मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी तिथि, सुबह 7:03 से रात के 12 बजे तक मतलब 24 बजे तक, 14 दिसंबर 2021 मंगलवार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि, सुबह 7:05 से लेकर 28:40 तक यह सर्वार्थ सिद्धि योग है, 18 दिसंबर 2021 शनिवार मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी तिथि, सुबह 7:07 से 13:48, 26 दिसंबर 2021 रविवार पोष कृष्ण सप्तमी तिथि, सुबह 7:11 से 31:12, 30 दिसंबर 2021 गुरुवार पोष कृष्ण एकादशी तिथि, रात में 24:34 से सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगले दिन मतलब 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार पोष कृष्ण द्वादशी तिथि, रात के 10:04 मतलब 22:04 तक। अब अमृत सिद्धि योगों की बात करें तो 14 दिसंबर 2021 मंगलवार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि, सुबह 7:05 से 28:40 तक अमृत सिद्धि योग है। कुछ विशेष योग है अमृत सिद्धि योगों में भी, कुछ विशेष अमृत सिद्धि योग है उसकी बात करें तो भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इसमें गृह प्रवेश करना वर्जित माना गया है, इसमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए किसी भी भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में। वह किस दिन है, 18 दिसंबर 2021 शनिवार मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी तिथि, सुबह 7:07 से 13:48 तक यह अमृत सिद्धि योग है। दूसरा शुभ योग बन रहा है शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग, यात्रा में इस योग का परिहार किया गया है, यात्रा इस योग में कभी भी नहीं करनी चाहिए। 26 दिसंबर 2021 रविवार पोष कृष्ण सप्तमी तिथि, 29:26 से लेकर 31:12 तक यह छोटा सा योग रहेगा छोटे समय के लिए। द्विपुष्कर योग की बात करें तो दिसंबर के महीने में एक भी द्विपुष्कर योग हमें देखने
नहीं मिलता है। और त्रिपुष्कर योग की बात करें तो कुल 3 त्रिपुष्कर योग इस महीने में है। 21 दिसंबर 2021 मंगलवार पोष कृष्ण द्वितीय तिथि सुबह 7:25 से 14:54 तक। 25 दिसंबर 2021 शनिवार पोष कृष्ण षष्ठी तिथि सुबह 5:05 से सुबह के ही 7:28 तक त्रिपुष्कर योग है। और 26 दिसंबर 2021 रविवार पोष कृष्ण सप्तमी तिथि सुबह 7:28 से 20:08 तक यह त्रिपुष्कर योग रहेगा। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। परंतु हम आपको एक बात सूचित कर दें कि कोई भी कार्य मुहूर्त देखकर करें तो उसका ज़्यादा फल होता है। शुभ योग में कार्य करें और उससे अच्छा है कि शुभ मुहूर्त देखकर आप काम करें। तो अगर 2021 दिसंबर के सभी मुहूर्तों के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी मुहूर्तों के ऊपर विधिवत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किस दिन दुकान लगानी चाहिए, व्यवसाय किस दिन शुरू करना चाहिए, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और नौकरी किस दिन शुरू करनी चाहिए, इस विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।